मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वॉक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई 18 नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की। लगभग 2.91 करोड़ रुपए की यह 18 गाड़ियां आज से ही शहर की जनता को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल भी है। शिमला स्मार्ट सिटी ने शहर का रंग रूप बदला है और इस योजना के अंतर्गत यहां आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राइड विद प्राइड टैक्सी सेवा के माध्यम से बुजुर्गों, महिलाओं, शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों सहित स्थानीय निवासियों तथा यहां आने वाले पर्यटकों को परिवहन की और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा राइड विद प्राइड टैक्सियों का पहले से ही संचालन किया जा रहा है और यह सेवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा रोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। राइड विद प्राइड HRTC शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए सुविधा दे सकें, महिलाओं को भी दे सकें और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सकें, उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है और मैं HRTC को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 18 इनोवा गाड़ियां जो है आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहां पर हमने समर्पित की है शिमला में और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक एडिशन शिमला शहर के लोगों के लिए आने जाने की दृष्टि से भी और उसके साथ साथ में जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए भी आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा रहती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सेवाएं यहां पर शुरू होने के पश्चात जो हमारे टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के साथ साथ स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत बड़ी एक सुविधा आने जाने की दृष्टि से रहेगी।